नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनजी न्यूज़ 24। आज हम बात करें अहमदाबाद के बापू नगर में आए हुए शारदाबेन हॉस्पिटल के। जी हाँ, शारदाबेन में एक ऐसी कल की घटना घटी जिसमें एक जो महिला जो है अपने पेशेंट को लेकर जाती है रिक्शा में और उनको एंट्री नहीं मिलता है और वहाँ पे बाउंसर बिठा दिए जाते हैं। उनका कहना है कि अगर आपका पेशेंट को एडमिट करना है तो 108 में आइए। क्या ये ज़रूरी है? अगर पेशेंट मरता रहे, आजकल 108 का वेटिंग जो है एक एक घंटे दो दो घंटे लगता है, तो क्या पेशेंट को मरने दिया जाए? देखिए आगे का रिपोर्ट जो है यहाँ पर, कैसे महिला जो सड़क पर लेकर बैठी हुई और उसके वहाँ के जो बाउंसर लोग जो है शारदाबेन हॉस्पिटल को उसको एंट्री नहीं दे रहे अंदर। आगे का डिटेल देखिए हमारे न्यूज पीएनजी न्यूज 24 के साथ में। पेशेंट है और रोड पर है इनकी मम्मी के साथ। आप पेशेंट छे शारदाबेन हॉस्पिटल नी बाहर। हाँ, एमनी मम्मी छे, एमनी मदर छे, एमनी जोड़े बधा रिपोर्ट छे, पण शारदाबेन में अंदर एंट्री मरती नहीं। त्यांथी एवं कहे छे के गाइडलाइन में एवं है कि 108 हे तो पेशेंट अंदर जैसे त्या सुधी पेशेंट मरी जाए रोड पर, पण अमने कई फरक नहीं पड़ता। अहियाना स्टाफ अने शारदाबेन बाउंसरो आवी वातो करे छे। तो हवे आत्मनिर्भर आ तमे जोई रह्या छो अत्यारे केवी हाल छे अमारे भारतना नागरिकनी, आ हाल तमे जोई सको छो। आ कोविड पॉजिटिव पेशेंट छे, शारदाबेननी हॉस्पिटलनी बहार पड्यु छे। हाँ, शारदाबेन हॉस्पिटल छे। हाँ, पेशेंट छे, एमनी मदर छे, एमनी कोई मदद करवा माटे कोई सरकार ना कोई आदेश नहीं। और सरकार ना जे खोटा कायदा बनिया छे के 108 नी अंदर ज लईने आओ, सरकारे आ कायदो रद्द करवा जोईए के पॉजिटिव रिपोर्ट जोईने अंदर ए साइकिल में आए के रिक्शा में आए के लाड़ी ऊपर आए के कोई भी व्हीकल ऊपर आए एने दाखल करवू जोईए। આત્મનિર્ભર છે, આ જોઈ શકો છો તમે, આ શારદાબેન હોસ્પિટલથી લાઈવ છે।